नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। जिले में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार पिकअप ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा, दो की मौत। पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने की समीक्षा बैठक, वृक्षारोपण की धीमी गति पर अधिकारियों को लगाई फटकार। शहर के मुख्य बाजारों में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध कब्जाधारियों पर चला निगम का बुलडोजर। चमकी बुखार से मासूम के मौत की खबर मिलते ही रेफरल अस्पताल पहुंची विधायक स्वीटी सीमा, मेडिकल टीम ने चमकी बुखार से किया इनका। और चमकी बुखार से लगातार हो रही मौत को लेकर भागलपुर के डॉक्टर मुजफ्फरपुर हुए रवाना, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को सौंपेंगे प्रोजेक्ट। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर वाद थाना क्षेत्र केएम कॉलेज के समीप मोटरसाइकिल सवार को तेज रफ्तार पिकअप वैन ने कुचल डाला। इस घटना में दो की मौत मौके पर ही हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और असरगंज शंभुगंज मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने लगे। घटना में मृतक की पहचान असरगंज निवासी चंद्र शाह के पुत्र सुबोध शाह और पुरुषोत्तम शाह के पुत्र राकेश कुमार के रूप में हुई है। दोनों व्यक्ति रिश्ते में साला और बहनोई थे। बुधवार की सुबह दोनों हलवाई का काम करने शंभुगंज जा रहा था, इसी दौरान पीछे से ऑटो ने टक्कर मार दिया। इस घटना में बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर गया, तभी सामने से आ रही पिकअप वैन दोनों को रौंदते हुए सड़क किनारे खाई में जा गिरा। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वाद थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किसी का बेटा मर गया, किसी का बेटी मर गया, कोई मतलब नहीं है प्रशासन को। भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन को लेकर समीक्षा बैठक की। आयुक्त ने वृक्षारोपण की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा दिए गए वृक्षारोपण के लक्ष्य को अब तक पूरा नहीं किया गया है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने भागलपुर और बांका के DDC एवं DFO को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण और सरकार के लक्ष्य को पूरा करने की बात कही। वंदना किनी ने शहर के CMS स्कूल, हवाई अड्डा, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित करने का निर्देश दिया। बैठक में DDC सुनील कुमार, बांका DDC अभिलाषा कुमारी, JDA शंकर चौधरी समेत कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। स्मार्ट सिटी में मुख्य सड़क से लेकर गली मोहल्ले अतिक्रमित हो गई है और इसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार के निर्देश पर बुधवार को नगर निगम ने खलीफाबाग चौक, लोहा पट्टी, वैरायटी चौक से लेकर स्टेशन चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के तीसरे दिन निगम अधिकारी, मजिस्ट्रेट, कर्मचारी एवं पुलिस के जवानों ने सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाया। बरसों से वैरायटी चौक के समीप निगम के PIU पर कब्जा जमाए दुकानदारों का सामान निगम के अधिकारियों ने जब्त कर लिया। अतिक्रमण दस्ता की टीम ने माइकिंग कर दोबारा अतिक्रमण करने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। मौके पर मजिस्ट्रेट रंजन कुमार, राजेंद्र कुमार, जोनल प्रभारी हसन खान, मनोज कुमार चौधरी, राकेश भारती समेत कई अधिकारी एवं काफी संख्या में पुलिस के जवान मुस्तैद दिखे। आज खलीफाबाग चौक से लेकर स्टेशन होते हुए कोतवाली तक हम लोग जाएंगे हटाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है इस शहर के लिए कि अतिक्रमण के कारण जो है हमेशा कहिए जिला प्रशासन ये हो या नगर निगम प्रशासन हो, इस अतिक्रमण के कारण बहुत बड़ी जाम की समस्या बनी हुई है। इसके के लिए हम शहर की जनता से भी अनुरोध करते हैं कि वो भी आगे आए और अतिक्रमणकारी को हटाए अपने स्थान। निजी दुकानदारों से हमारा कहना है कि वो अपने सामने फुटकर को ना लगने दें, ये उनकी भी जवाबदेही है। जब तक कि शहर की जनता जागरूक नहीं होगी, शहर स्मार्ट कैसे बनेगा। बांका कटोरिया में चमकी बुखार से मासूम की मौत की खबर मिलते ही विधायक स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ने बुधवार को तिनढोवा गांव और कटोरिया रेफरल अस्पताल का निरीक्षण किया। विधायक ने गांव में तेज चमकी बुखार से हुई मासूम की मौत की विस्तृत जानकारी ली और लोगों को बीमारी के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। रेफरल अस्पताल का निरीक्षण के दौरान मरीजों से मुलाकात की, साथ ही अस्पताल के चिकित्सकों को मरीजों के प्रति गंभीर रहने की सलाह दी। वहीं स्वीटी सीमा ने ग्रामीण क्षेत्रों में
एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी सेविका के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाने को कहा। हम आपको बता दें कि मंगलवार को तिंडोभा गांव में चमकी बुखार से मासूम की मौत हो गई थी, जिसके बाद लोग काफी दहशत में थे। हालांकि मेडिकल टीम ने चमकी होने की पुष्टि नहीं किया था। इनका भी कहना है कि हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, आखिर अगर चमकी बीमारी बांका में दस्तक दिया है, कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कटोरिया में अगर दस्तक दिया है, तो हम लोगों को सतर्क होने की ज़रूरी है। और हमने डॉक्टरों को यही सलाह दी, उनसे यही आग्रह किया कि आप गांव-गांव जाके एएनएम के द्वारा, सेविका के द्वारा, आशा के द्वारा जागरूकता अभियान चलावे, ताकि लोग जागरूक हो और इस चमकी बुखार से बच्चों को बचा सके। उत्तर बिहार के जिलों में चमकी बुखार का कहर जारी है। अब तक 150 बच्चों की मौत इस बुखार से हो चुकी है और दर्जनों बच्चे इसकी चपेट में आने से जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में इंसेफेलाइटिस की बीमारी से हो रही बच्चों की मौत को देखते हुए भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ सजीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने मुजफ्फरपुर में फ्री सेवा देने का फैसला लिया है। बुधवार को अपनी सेवा देने के लिए डॉक्टर मुजफ्फरपुर रवाना हो गए। रवाना होने के पूर्व डॉक्टर अजय ने कहा कि इस बीमारी को लेकर वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे और इसकी रोकथाम के लिए एक प्रोजेक्ट भी सौंपेंगे। चमकी बुखार कॉमन प्रॉब्लम है या किसी भी ब्रेन के समस्या में आ सकता है, चाहे चोट लगने से हो या कोई वायरस, कोई बैक्टीरियल, है ना, ब्रेन टीबी। लेकिन जिस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, चमकी बुखार, अभी जो मुजफ्फरपुर की घटना हो रही है जिसको नाम चमकी बुखार दिया जा रहा है, इसमें मैं तो अभी जा रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री से भी मिलने का कोशिश करूँगा। हमारे मन में एक प्रोजेक्ट है और स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलूँगा, कोशिश करूँगा। मैं अभी टाइम नहीं ले पाया हूँ, लेकिन उम्मीद है कि हमें मिल जाएगा। और मैं एक प्रोजेक्ट ले कर जा रहा हूँ कि किस तरह से इसको आप कंट्रोल करें, खास करके ऐसे विकट परिस्थितियों में, क्योंकि घटनाएँ होते रहती हैं और होते रहेंगी। तो इसमें इक्विपमेंट चाहिए, ये जो है असली, जो इससे इलाज जो है, दवा का इलाज नहीं है, लेकिन यदि वेंटिलेटर वगैरह के द्वारा यदि 72 घंटे तक बच्चा बचाया जाए तो आगे वो बच सकता है। तो असली इसमें व्यवस्था चाहिए, दवा नहीं चाहिए, व्यवस्था चाहिए। वो व्यवस्था का मैं दरख्वास्त करूँगा और इसीलिए मैं मिलूंगा। भागलपुर सदर अस्पताल सभागार में बुधवार को क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की ओर से भारत सरकार के लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत लेबर रूम, मेटरनिटी एवं ओटी के सुदृढ़ीकरण को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत चयनित 6 अस्पतालों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से लेबर रूम और ओटी के गुणवत्ता मानक कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया गया। आरपीएम अरुण प्रकाश ने कहा कि वर्ष 2017 से भारत सरकार ओटी और लेबर रूम के गुणवत्ता मानक को लेकर लक्ष्य कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत 100 से अधिक प्रसव वाले सरकारी अस्पताल का चयन कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसमें केंद्र की टीम गुणवत्ता मानक जाँच करेगी, जिसमें 80% अंक मिलने पर अस्पताल और कर्मियों को प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कृत भी किया जाएगा। ट्रेनिंग कार्यक्रम में भागलपुर सदर अस्पताल, बांका सदर अस्पताल, अमरपुर बौसी रेफरल अस्पताल के अलावा जगदीशपुर सीएससी के चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक जानकारी विशेषज्ञों एवं केयर इंडिया के द्वारा दी गई। कार्यशाला में SCMO डॉक्टर अरुण कुमार ओझा, बांका सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह, डिविजनल आशा कोऑर्डिनेटर कुणाल कुमार समेत कई चिकित्सक, नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। ये लक्ष्य कार्यक्रम के तहत ये आज एक वर्कशॉप चल रहा है, जिसमें भागलपुर के 3 डिस्ट्रिक्ट और बांका के 3 डिस्ट्रिक्ट जो चयनित हैं लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत, उसमें क्या प्रगति हुई है और आगे क्या क्या काम किया जाना है, इसी की समीक्षा चल रही है। और सभी संस्थानों को ये कहा गया था कि जहाँ जहाँ जो भी दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टीम भी है और रीजनल टीम भी है, तो सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करें। और जहाँ जहाँ पे मान लीजिए सहयोग की आवश्यकता हो रीजनल टीम से या डिस्ट्रिक्ट टीम से, वो प्राप्त करके लक्ष्य के जो तमाम इंडिकेटर हैं उसको फुलफिल करते हुए लक्ष्य के सर्टिफिकेशन को प्राप्त करें। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ।
अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसान अगरबत्ती, धरती पर जले आकाश तक महके। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर बाबूपुर मोड़ स्थित हार्डवेयर व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि चंदन ट्रेडर्स दुकान में मंगलवार को 3 नकाबपोश अपराधियों ने मुंशी धर्मेंद्र कुमार को हथियार के बल पर काउंटर में रखे 1,16,000 रुपये लूट कर बाइक से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही DSP लॉ एंड ऑर्डर निसार अहमद शाह मौके पर पहुंचे और घटना की विस्तृत जानकारी ली। DSP ने कहा कि लूटकांड मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जल्द ही घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बैठा फिर तो बोलता है कि नहीं हमको भूख लगी है, हम जाएंगे। फिर बोला कि मेरा 200 रुपया जो है ड्राइवर चार्ज दे दीजिए, भाड़ा अपना उसका 200 रुपया उसको हमने दे दिया और वो लेकर चला गया। और ये 10-15 मिनट के अंदर भी ये काम है। तो कितने लोग आए थे? वो लोग 3 थे, ड्राइवर ने तो लोग गया है, उसके बाद ये कहानी। 3 में से मतलब किससे आए थे? सबके हाथ में हथियार होता था? दो मेरे पास जो गया है वो हथियार था उसके पास। टिमिट और छड़ का दुकान है, उसी दुकान में मुंशी जो है पैसा गिन रहा था, उसी दरमियान मोटरसाइकिल से 3 व्यक्ति आए। सुल्तानगंज नगर परिषद की नगर सभापति दयावती देवी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीते दिनों हुए जानलेवा हमले की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। दयावती देवी ने कहा कि पिछले दिनों अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और इस मामले के आरोपी को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। कॉन्फ्रेंस के दौरान दयावती देवी ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की। अविश्वास लगा और विश्वास में 8:15 में हम घर से गए वहाँ पार्षद के यहाँ मिलने जब गए तो जैसे गाड़ी पर से उतर करके हम पार्षद के अंदर गए, पार्षद ले गई अंदर ले गए तो 2 बात खाली बोले कि दीदी मेरे साथ क्या गलती हुआ जो बैठ करके सलाह मशवरा करना चाहिए था आप दस्तखत किए। तो बोला कि दीदी हम आपके पक्ष में हैं, हमको ज़बरदस्ती दस्तखत करवाया है और किए हैं, लेकिन अगर वोटिंग के बारी आएगी तो हम आपको वोटिंग करेंगे। इतने दौरान में रमधनी यादव सफ़ेद गाड़ी पर 4 व्यक्तियां, एक नीलम देवी पार्षद और रमधनी यादव उनका पति सन्नी कुमार बेटा, मनीष कुमार बेटा और 3 मोटरसाइकिल पर 6 अज्ञात पहुँचे और हरवे हथियार के साथ गोली का उछार लगा करके अंदर पैस गए। अंदर में जब गए तो अंदर में 3 गोलियां फोड़ी, 3 गोलियां जब फोड़ी तो 2 गोली तो लग ही गई, 1 गोली प्रदीप यादव का पेट में लगा जब हमको हमरे ऊपर छोड़ी। नीलम देवी बोली कि सभापति सामने है पहले इसको गोली मारी। कहलगांव सनौला बाजार स्थित ब्लॉक चौक के समीप आइसक्रीम दुकान में लाखों की चोरी से दुकानदारों में दहशत का माहौल है। दुकान संचालक शशि कुमार ने बताया कि मंगलवार के रात्रि दुकान बंद कर घर गया, अहले सुबह दुकान का ताला क्षतिग्रस्त था और दुकान में रखा नकदी गायब था। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंचे सनौला थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने घटना स्थल का जायजा लिया। बाकाबाराहाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को कथित रूप से ANM के द्वारा पैसों की मांग और पैसा देने में देरी होने के कारण इलाज में लापरवाही की गई, जिसके वजह से एक नवजात की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने शव को अस्पताल में ही रखकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सूत्रों के अनुसार बाराहाट प्रखंड के भुरना निवासी अर्चना देवी को देर रात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराहाट में भर्ती कराया गया, जहाँ ANM सुभद्रा देवी एवं इंदु देवी के द्वारा प्रसव के लिए पैसों की मांग की गई। पैसों का इंतजाम नहीं होने के कारण आरोपित ANM के द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई, जिससे कि नवजात की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी बाराहाट और थाना अध्यक्ष को लिखित आवेदन देते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रास्ता खुला है, थोड़ा रास्ता आधे घंटे के बाद हो जाएगा, इशू हो जाएगा आधे घंटे के बाद होगा, अभी दर्द को बर्दाश्त कीजिए। आधे घंटे के बाद ना हम फिर 1 घंटे के बाद गए, उनके बाद बोले कि अभी नहीं होगा, अभी आप 2,000 रुपया दीजिए तब आपका इशू हो जाएगा जल्दी। उसका हम बोले कि मेरे पास अभी 2,000 रुपया नहीं है, हम सुबह आपके दे देंगे पैसा, आप मेरा इशू कर दीजिए और आप नॉर्मल इशू कीजिएगा। तब उसने बोली
पीना है, जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक नहीं होगा। तो लास्ट में हम 4:30 बजे उनको पैसा दिए, तब 5 बजे हमारे पेशेंट को हाथ लाइन सलाइन चढ़ाई, उसके बाद 6 बजे हमारा बच्चा। भागलपुर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की अंशकालिक शिक्षिकाओं ने बुधवार को अपने पद पर पुनः योगदान देने को लेकर खिरनी घाट स्थित डैट भवन पहुंची। शिक्षिकाओं ने डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान असगर अली खान से मिलकर योगदान संबंधित आवेदन सौंपा। डीपीओ ने शिक्षिकाओं को आवेदन पर विचार विमर्श कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। इस दौरान शिक्षिकाओं ने कहा कि अंशकालिक शिक्षकों का नाम परिवर्तित कर कार्य करने की सहमति पत्र विभाग को देने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद अंशकालिक शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया, लेकिन अब हड़ताल समाप्त कर अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। हम आपको बता दें कि अंशकालिक शिक्षकों का पदनाम बदलकर व्यावसायिक अनुदेशिका किया गया है। हम लोग अंशकालिक शिक्षिका के पद पर थे और उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण पोस्ट कर दिया गया, इस डिमोशन के कारण हम लोग हड़ताल पे चले गए थे, लेकिन पुनः फिर हम लोग सरकार का जो भी है पद निर्धारित उस पर हम लोग योगदान करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को लोग दे नहीं रहे, नहीं दे रहा, करना कोई गुनाह तो है नहीं, संवैधानिक हक है हमारा, हमने विरोध में हड़ताल किया, ठीक है, अब हम लोग हड़ताल वापस लेते हुए पुनः योगदान करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को योगदान नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर विधायक अजीत शर्मा ने केक काटकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के माध्यम से नगर विधायक ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पुनः पार्टी का नेतृत्व मजबूती से करने और आने वाले समय में संगठन को ऊंचाइयों तक पहुँचाने की अपील की। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष कोमल सृष्टि, नगर अध्यक्ष पूजा शाह समेत कांग्रेस एवं NSUI के कार्यकर्ता मौजूद थे। कहलगांव में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने अपने सगे चाचा को गोली मार दी। इस घटना में पीरपैती मकनपुर निवासी पंकज ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम पंकज सनौला स्थित अपने आटा चक्की मिल को बंद कर बाइक से कहलगांव स्थित घर लौट रहा था। इसी दौरान NTPC ड्राइव एरिया के समीप भतीजा देवानंद ठाकुर ने गोली चला दिया। गोली पंकज के दाहिने जांग में लगा। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भतीजा फरार हो गया। गोली की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग सहम गए और घटना स्थल पर पहुंचे, जहां से घायल अवस्था में पंकज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कहलगांव SDPO मनोज कुमार सुधांशु अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। SDPO ने कहा कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक तरफ जहां लोग प्रचंड गर्मी से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ शहर में कूड़े का अंबार लगा है। शहर के मुख्य सड़क से लेकर सभी चौक चौराहे पर फैली गंदगी पर निगम प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। गर्मी बढ़ते ही कूड़े के ढेर से दुर्गंध आ रही है। गली मोहल्ले के कूड़े का उठाव नियमित नहीं होने के कारण लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार को तिलकामांझी चौक, पुलिस लाइन रोड एवं सूजागंज मुख्य बाजार समेत कई इलाकों में सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। सूजागंज बाजार सब्जी मंडी के समीप कूड़े की बदबू के कारण खरीदारी करने आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि निगम कर्मी कूड़ा सफाई के बाद ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं करते हैं, जिससे कि लोग बीमार हो रहे हैं और महामारी फैलने की आशंका है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। जिले में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार पिकअप ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा, दो की मौत। पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने की समीक्षा बैठक, वृक्षारोपण की धीमी गति पर अधिकारियों को लगाई फटकार। शहर के मुख्य बाजारों में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध कब्जाधारियों पर चला निगम का बुलडोजर। चमकी बुखार से मासूम के मौत की खबर मिलते ही रेफरल अस्पताल पहुंची विधायक स्वीटी सीमा, मेडिकल टीम ने चमकी बुखार से किया इनका। और चमकी बुखार से लगातार हो रही मौत को लेकर भागलपुर के डॉक्टर मुजफ्फरपुर हुए रवाना, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को सौंपेंगे प्रोजेक्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।